साथ मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन डैंक इंडियन मीम्स फनी वीडियो बाय ड्रॉप आउट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कितनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिर ही गई भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सो हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बड़े होंगे। एंड गाइस, स्वागत है एक और मजेदार मीम वीडियो के अंदर। सो गाइस, ये वीडियो काफी फाड़ होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से भाई एंड तक पूरी देखना। एंड गाइस, अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि भाई हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। एंड गाइस, मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए होती है, तो भाई देख के खाली इंजॉय करो, बाकी किसी को भी पर्सनल हेट नहीं है। तो चले और इसी के साथ आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेगे प्रभु का नाम जय श्री राम। स्टेज पर चढ़कर माइक पे बोलने की तकलीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी कविता बहुत अच्छी लगी, और जिन लोगों को नहीं समझ में आई वो भी चुपचाप बैठ करके कविता सुने। सब कंट्रोल में आइए। मुन्मुन, क्या मैंने आपको सताया? मुन्मुन, आप उधर रहो, स्कर्ट छोटी है। तू समझा? जी क्या बेच रहे हैं? फल और फूल बेच रहे हैं। फल और फूल बेच रहे हैं? यहाँ तो ना फल दिख रहा है ना फूल दिख रहा है भाई, स्वीट का नाम ही ऐसा है। बेचती इसका ऑडियो म्यूट हो गया है शायद, कॉपीराइट। क्या बढ़िया था वो। ये किसका बॉल है? किसका बॉल है ये? तुम्हारा ही? और किसका? मेरा भी है। किसका बाला? झूठ मत बोल मेरे से। करूँ के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेबी, तुम्हारा ही बाला और किसका बाल होगा? कैसी बातें कर रहे हो? ओ चूना लगा दिया बेबी, बेबी को बाल ही देख लो भाई। अबे अंधा है क्या? पप्पू भाई ने देता तुझे। क्या बोला तूने? अबे अंधा है क्या? पप्पू भाई ने देता तुझे। चुप हो जा साथ में फिर लड़की। लड़की भी हाथ उठाएगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कितने शानदार विचार रखते हैं। कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। बात तो सही है। आपका इस बारे में क्या मानना है वो मुझे ये न्यूज सुनने के बाद बताइएगा। ठीक है। कानपुर में एक 20 साल की लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के पापा के साथ भाग गई। अपनी माँ की माँ का चुरा हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देख लो भाई। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि बाकी की संख्याओं का क्या? इतना भेदभाव क्यों? आखिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही क्यों? दो दोगड़ा तेरी माँ का भूखा क्यों नहीं? आज हम अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं इंसाफ के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रण लीजिए, जब तक बाकी संख्याओं को उनका हक नहीं मिलता तब तक हम मुठ नहीं मारेंगे। अपने मुखल दोस्तों को टैग कीजिए, उन्हें शर्मिंदा कीजिए, उन्हें मजबूर कीजिए। वरना तेरे को डर नहीं लगता? Wait a second. I have something special for you, but. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे रुको जरा, सबर करो। I have something for you. Wait, wait. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਖੇਲ ਗਿਆ ਬੈਂਡ।
काले कुत्ते पैसा खाया मेरा मेरे भी बहुत है Shall we dance? Sure. Hey, can we have some blast, please? Sure. Boom, Robo da, Robo da. Robo da. Okay. Check, throw your hands up in the air. मनीष कौन है? मुझे क्या पता भाई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये देखो, ये देखो। मैं बचपन से सिंगल हूँ, देखो मेरे हाथ की रेखाएं मिट चुकी है। क्यों, बेइज्जती तो करते मेरी। अच्छा नहीं छोड़ यार, लड़की का साथ भी बैठी तुम्हें वरना कर देता, फिर तो दिखा देता मैं। मुझे समझ में नहीं आया, स्थानीय लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। तो आज हम लड़कों से सवाल करेंगे कि लड़कियां मेकअप में आपको अच्छी लगती है या फिर बिना मेकअप के। आइए देखते हैं बैंड मजा आएगा। लड़कियां मेकअप या बिना मेकअप कैसी पसंद? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मेकअप वाली। मेकअप क्यों? मेकअप करती है अच्छी लगती है। मेकअप करती है ज्यादा अच्छी लगती है, बिना मेकअप के नहीं अच्छी चुड़ैल लगती है। ओके गूगल Translate sister 14, mother 14, everyone 14 in Hindi. मैं 14, माँ 14, हर किसी को 14. अरे बाबा, यारी समझ गई। यारी कितनी औसम है। भाई, हमारे पास एक ऐसा बाज है जो उड़ नहीं सकता। अच्छा। ये सब देखिए गाय जोड़ नहीं सकता गाय जब बेइज्जती है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सलमान खान की मूवी देखे कि नहीं देखे? हाँ देख लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना दुख से क्यों बोल रहे हो? स्टोरी क्या है, क्या खास है? स्टोरी तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्यों नींद आ गया। इमोशनल डैमेज। कहानी में कोई मजा नहीं। क्या कहानी में कोई मजा नहीं है? कहानियां नहीं है, कहानी मिल देर को कई बार जब तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से 50 के कराओ। तो बस यार अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंडिंग लग दो। ओके नए नए मीम्स है टू जेड। ओके बाल नहीं थे, बाल किसके थे फिर? ए क्या कर रही थी तू? ओके एनीवेज अगर मैं बात करूं एंडिंग वाला, मैंने भी सिर्फ रिव्यूज देखे किसी का भाई किसी का जान की मूवी की एंड मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मूवीज रिव्यू भी स्टार्ट कर दूंगी, तो क्यों ना सलमान खान के मूवी से स्टार्ट करूं। एंड वो किसी रीजन की वजह से मिस हुआ बिकॉज मैं तब मुंबई में थी एंड 2-3 दिन हमने वहीं पे स्टे किया एंड फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था, तो वो मिस हो गया। तो अच्छा वो मिस हो गया, अगर मैं ऐसे मैं सो जाती फिर मैं क्या रिव्यू करती? सब वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब बर्बाद, तो क्या ही रिव्यू करती। और वो वाला दी लड़की, तू मेरे पे हाथ उठाएगा, लड़की की गलती होते हुए भी आ गया फिर ड्रेस वेस पहन के, अब तेरे को देखता हूँ। तीन तिगड़ा काम बिगड़ा तो फिर बाकी के नंबर्स ने क्या बिगाड़ा था? आपको क्या लगता है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आयुष बहुत गर्म हो रहा है यार, आप लोगों को दिख रहा है क्या? पता है पूरा पसीना वसीना। मेरा रिएक्शन ऑन डैंक इंडियन मीम्स बाय ड्रॉप आउट। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले। अच्छा।